हमारे पिताजी एक प्रोवर्ब कहा करते थे, सोचा आप लोग से शेयर करूं। तुर्क ताड़ी, ताड़ी बहुत इंजॉय करता था लोग, तर्क्स लोग पहले ज़माना में आता होगा, लोग पहले सुना, उन्होंने भी अपना पेरेंट ग्रैंड पेरेंट से सुना होगा। तुर्क ताड़ी या बैल खेसारी, बैल जो है खेसारी जो है एक तरह के घास है, एक तरह का समझिए कि उगता है, हरियरी है, रहता है बहुत खिलाने। बैल को खिसाने जा बहुत मजबूत होता है, ताकत बहुत देता है बैल खेसारी। आम पड़े तो जवारी के पारी, जवारी मतलब जो जहाँ आम फल जाएगा तो अगल बगल सभी को खबर हो जाए कि अब आम फल गया है, तो जो अब उसके बारी है, वो अब वो रुकेगा नहीं। आम खाने का भी अभी अभी टाइम हो गया है, अभी अब यहाँ पर एक लंगड़ा आम यहाँ आ गया है अभी। तो लंगड़ा के बारे में खासियत है कि ये बहुत ही मीठा, बहुत पतला उसका अति रहता है, और उसको हम लोग मालदा भी कहते हैं, दूधिया मालदा, बहुत पतला छिलका रहेगा और उसका बीज जो रहता है बहुत पतला रहता है, छोटा हल्का रहेगा, बहुत गुदा रहेगा, बहुत मीठा, बहुत स्वादिष्ट। आम तो फलों का राजा है, तो उसके बारे में क्या कहना है। आम पड़ेगा तो नेचुरल है कि सबके मुंह में पानी आ जाएगा, तो इसीलिए आप लोग को सोचा कि कुछ इसके बारे में बताऊं, आप लोग से शेयर करूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।